और एक बात गाइस, हमारा इंडिया में बहुत ही करप्शंस होते हैं। आप जहाँ भी डिपार्टमेंट पे जाओ करप्शंस मिलेंगे मिलेंगे, यहाँ करप्शंस वहाँ करप्शन 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 करप्शन। मतलब लोगों को मतलब सिर्फ पैसा चाहिए होते हैं, उन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, देश बाहर जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज का वीडियो कोई ब्लॉग ऐसा वीडियो नहीं होने वाला, बल्कि हम आज का वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोग कभी सोचा है कि हमारा इंडिया अलग कंट्री से कंपेयर करने से क्यों अनडेवलप है, क्यों पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये सब सोशल प्रॉब्लम से क्यों इतना भरा हुआ है हमारा इंडिया? सो कभी आप लोग सोचा है क्यों? तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ गाइस। मैं इस वीडियो में जो भी कहूंगा, जो भी आप लोग को बताऊंगा, ये सब मेरे आइडिया से, मेरे नॉलेज से बताऊंगा। किसी का भी मतलब कॉपी करके नहीं बोलूंगा, जो भी कहूंगा दिल से कहूंगा। सो गाइस, हमारा इंडिया अलग कंट्री की जैसे डेवलप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, क्राइम्स, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, टेररिज्म, ये सब मतलब बहुत ही सोशल प्रॉब्लम से हमारा इंडिया गिरा हुआ है, भरा हुआ है। ये सब सोशल प्रॉब्लम से हमारा इंडिया पूरा भरा हुआ है। और जब तक हमारा इंडिया ये सब सोशल प्रॉब्लम्स को हमारा देश से दूर कर नहीं सकते, तब तक हमारा इंडिया अलग कंट्री के जैसा कभी भी डेवलप नहीं होंगे गाइस, कभी भी डेवलप नहीं होंगे। तो ये सब सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सॉल्यूशन क्या है? चलो ये बात सोच के देखते हैं अभी। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हम अभी कॉजेस, रीजंस, ये सब सोशल प्रॉब्लम्स के रीजंस के बारे में, रीजंस में चलते हैं। चलो, क्योंकि जब हम रीजंस, कॉजेस, ये सब सोशल प्रॉब्लम्स के रीजंस और कॉजेस को जब अच्छे तरीके से जानेंगे, तब हमें सॉल्यूशन, ये सब के सॉल्यूशन निकालने में भी हमें आसानी होंगे। तो चलिए कॉजेस पहले जान लेते हैं। तो मेरे लिए ये सब सोशल प्रॉब्लम्स के एक बड़ा सा एक मेन रीजंस ये है कि रीजन ये है कि एजुकेशन। हमारा इंडिया में गवर्नमेंट और हम सिटीजन्स लोग भी एजुकेशन को इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना एजुकेशन को लेके हम इतना कॉन्शियस नहीं है। और एक अच्छा एजुकेशन क्या है ये समझने में हमारा इंडिया के लोग फेल हो रहे हैं। सो गाइस, हमारा इंडिया के ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि एजुकेशन सिर्फ कुछ नौकरी पाने के लिए, कुछ नौकरी मिलने के लिए ही है। और आजकल वैसे भी नौकरी इतना आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत ही पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इतना आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। तो उन लोग का ये सोचना है कि मतलब उन लोग के लिए एजुकेशन भी आजकल इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि नौकरी भी नहीं मिल रहा है, तो एजुकेशन लेके क्या फायदा। तो ये सोच मतलब बहुत ही बुरा सोच है, इसलिए हमारा इंडिया में बहुत ही सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। ये भी एक कारण है सोशल प्रॉब्लम्स होने का। सो गाइस, एक बात ये है कि एक कंट्री डेवलप या अनडेवलप होंगे ये मेनली बेस करता है कंट्री के लोगों के ऊपर। एक कंट्री में जितना एजुकेटेड लोग होंगे उतना ही एक कंट्री भी डेवलप होंगे, और जितना एजुकेटेड लोग होंगे ना एक कंट्री पर, उतना ही सोशल प्रॉब्लम्स कम होते हैं, उतना ही सोशल प्रॉब्लम्स कम होते हैं उस कंट्री पर जहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं। और एक बात गाइस, हमारा इंडिया में बहुत ही करप्शंस होते हैं। आप जहाँ भी डिपार्टमेंट पे जाओ करप्शंस मिलेंगे मिलेंगे, यहाँ करप्शंस वहाँ करप्शन 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 करप्शन। मतलब लोगों को मतलब सिर्फ पैसा चाहिए होते हैं, उन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, देश बाहर जाए सिर्फ पैसा चाहिए। और यह भी एक रीजन है कि हमारा देश अभी तक अनडेवलप्ड है। और गाइस, हमारा देश में ज्यादातर पब्लिक ऑफिसर्स, ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, डेवलपमेंटल ऑफिसर्स, वो सब कंट्री को और सोसाइटी को लेके इतना कॉन्शियस है ही नहीं। वो लोग मतलब खुद का एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में कहाँ क्या हुआ है, कहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या नहीं, कहाँ ब्रिज सूता है, कहाँ रास्ता खराब है, कहाँ क्या हुआ है, ये सब के बारे में मतलब जानकारी होता ही नहीं है। और खुद का एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में कहाँ कौन सा एरिया एडमिनिस्ट्रेशन खुद का एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में गिरता है या नहीं, वो भी मतलब पता ही नहीं होता है। तो ऐसा होने से क्या होगा,
आप लोग बताइए हमारा देश क्या होगा ऐसे होने से, ऐसे ऑफिसर्स होने से क्या होगा। तो गाइस ये सब सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हमारा इंडिया को डेवलप करने के लिए, हमारा कंट्री को डेवलप करने के लिए हम सिटीजन्स लोग भी और हमारा गवर्नमेंट भी कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम्स को लेके हमारा गवर्नमेंट भी कॉन्शियस होना पड़ेगा और हम पब्लिक लोग भी ये सब के बारे में कॉन्शियस होना पड़ेगा और देश को डेवलप करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल लोग कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो गाइस हमारा देश का जो प्रॉब्लम्स है और जो बुरा सिस्टम्स, खराब सिस्टम जो है हमारा देश में, वो सब को मिटाने के लिए और हमारा देश में जो पुअर और रिच का जो इतना बिग डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है, उसको कम करने के लिए हमारा देश में अभी एक ऐसा मूवमेंट का जरूरत है जो मूवमेंट हमारा दिल से और हमारा नॉलेज से होना चाहिए। और इस मूवमेंट के जरिए हमें हमारा देश में जितना भी लोग हैं उन लोगों को हमें अवेयर करना पड़ेगा और हमारा गवर्नमेंट को भी, पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, उन सब को हमारा बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। हमारा देश का मेनली रूरल एरियाज पर कहाँ स्कूल्स का प्रॉब्लम्स है, कहाँ कॉलेजेस का प्रॉब्लम्स है, कहाँ मेडिकल्स का प्रॉब्लम्स है, कहाँ आना जाना रास्ता का प्रॉब्लम्स है और कहाँ रहने का घर का प्रॉब्लम्स है, ये सब का नेटवर्क का प्रॉब्लम्स है, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम्स है, ये सब को सॉल्व करने के लिए हमें हमारा गवर्नमेंट को और हमारा पब्लिक ऑफिसर्स लोगों को मजबूर करना पड़ेगा और हमारा देश के लोगों के जो सेल्फिश फीलिंग है वो सेल्फिश फीलिंग को हमें बदलना पड़ेगा। गाइस हमारा देश के ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमारा देश से कुछ भी नहीं होने वाला, कभी भी अलग डेवलप बहुत ही डेवलप कंट्री के साथ कभी भी डेवलप नहीं होने वाले और ऐसा सोच के चुपचाप रहते हैं। तो मेरा उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग भी खुद के साथ साथ सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए कुछ करने के लिए कोशिश कीजिए, सोसाइटी को और कंट्री को डेवलप करने के लिए कोशिश कीजिए, हमारा कंट्री का सोसाइटी का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। और जब हमारा कंट्री के एक एक लोग ऐसा सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए कुछ करेंगे तब हमारा कंट्री भी, हमारा देश भी ऐसे ही डेवलप हो जाएंगे अलग कंट्री की जैसा। सो गाइस मैंने मेरा रिसर्च पर हमारा देश के लोगों को मेनली 4 कैटेगरीज पर डिवाइड किया हूँ। सो फर्स्ट कैटेगरीज में वो लोग हैं जो मतलब हमारा देश के सोशल प्रॉब्लम्स को नहीं जानते हैं, उन लोगों के पास इतना इनफ नॉलेज नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुराई है वो सब के बारे में इतना जानकारी नहीं होते, तो वो लोग है फर्स्ट कैटेगरीज का लोग। एंड सेकंड कैटेगरीज का लोग वो लोग है जो मतलब हमारे देश के सोशल प्रॉब्लम्स को जानते हुए भी, इनफ नॉलेज होते हुए भी इन्वॉल्व होते हैं सोशल प्रॉब्लम्स लाइक करप्शन, ये सब सोशल प्रॉब्लम्स पर इन्वॉल्व करते हैं। एंड थर्ड कैटेगरीज का लोग वो लोग है जो मतलब ये सब सोशल प्रॉब्लम्स का इनफ नॉलेज होते हैं लेकिन वो लोग हमारा सोशल प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं और वो लोग मतलब सोशल प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं, वो लोग बेसिकली थोड़ा अच्छा आदमी होते हैं, थोड़ा मतलब अच्छा ही आदमी होते हैं, ये थर्ड कैटेगरीज का लोग। एंड फोर्थ कैटेगरीज का लोग वो लोग है मतलब बहुत ही अच्छा होता है ये फोर्थ कैटेगरीज का लोग, जो वो लोग है जो मतलब हमारा देश के सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब इनफ नॉलेज होते हैं एंड वो लोग मतलब वो जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, वो लोग मतलब देश को एंड सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं एंड सोशल प्रॉब्लम्स को, देश का सोसाइटी का सोशल प्रॉब्लम्स को मिटाने का कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग हैं फोर्थ कैटेगरीज का लोग। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एटलीस्ट ये थर्ड कैटेगरीज का लोग बन भी नहीं पाता है ना, तो सॉरी ये एटलीस्ट ये फोर्थ कैटेगरीज का लोग बन भी नहीं पाता है ना, तो थर्ड कैटेगरीज का लोग जरूर बनेगा क्योंकि ये दोनों बहुत सबसे बुरा ये मिडिल का है एंड ये बुरा है, तो एटलीस्ट इसको बन नहीं पाया ना तो भी ये बनना गाइस। तो गाइस मैंने भी ये फोर कैटेगरीज का लोग में से एक बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी बनने की कोशिश कीजिएगा ये फोर कैटेगरीज का लोग, क्योंकि एक सोसाइटी और एक कंट्री को डेवलप होने के लिए करने के लिए ये फोर कैटेगरीज का लोग बहुत ही जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, तो प्लीज आप लोग भी बनने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, अभी जो मैं लॉ पढ़ रही है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सोसाइटी के लिए और देश के लिए, क्योंकि मैंने बचपन से ही मैंने देखा है कि हमारा सोसाइटी कैसे कैसे प्रॉब्लम से फेस करते आई है, कैसा कैसा प्रॉब्लम्स
है हमारा सोसाइटी और कैसा इतना अनडेवलप है। तो ये सब चीज़ें मेरा दिमाग में बचपन से घुस के रखा है। तो अभी सिर्फ मैं जो कोशिश कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारा सोसाइटी के लिए और देश के लिए है। तो मैं जितना जितना सके मैं सोसाइटी के लिए और देश के लिए अच्छा काम करने के लिए कोशिश करूँगा और हमेशा हमेशा कोशिश करता रहूँगा। तो गाइस लास्ट में मैं आप लोगों को मैं प्यार से दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ खुद सक्सेस होने के बाद सोसाइटी के लिए और देश के लिए काम करना मत भूलना। हमेशा सोसाइटी को और हमेशा सोसाइटी का और कंट्री का जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करने के लिए कोशिश करना। सो ये मेरा आप लोगों से प्यार से एक रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।